हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सेल्फ ट्रेड्स। और अभी हम यहाँ देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कैसा काम हुआ है और कल हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी आज थोड़ा सा हमारे कल के क्लोजिंग कैंडल के ऊपर खुला है और वहां से सेल ऑफ आ चुका है। तो कल का जो हमारा लेवल था वो लेवल ये था कि ये जो हेड एंड शोल्डर का ऊपर का निकलाइन है और ये जो सपोर्ट जहाँ पे निफ्टी कल पूरा दिन भर सपोर्ट लिया, उसके बाद ही हम लोग कुछ ट्रेड प्लान करेंगे। अगर उसको ब्रेक होता है तो बीच में कुछ दोनों ट्रेड नहीं करेंगे। तो देखिए मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने आज फ्लैट ओपनिंग दी, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी है। और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद हम लोगों को, जैसा हम लोगों का प्लान था कि हम लोगों को इस रेंज में और इस रेंज में ट्रेड नहीं करना, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। और मार्केट खुलते ही इसमें सेलिंग आया और सेलिंग के बाद हमारे पास ये डबल टॉप था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल टॉप और इसका नेकलाइन था। इसने बहुत अच्छे से ब्रेक दिया मोमेंटम के साथ और वापस इस नेकलाइन का रिटेस्ट हुआ है और फिर इसमें सेलिंग आया और दोबारा इसमें रिटेस्ट हुआ। यहाँ भी हमें डबल टॉप दिख सकता है, वापस हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिला। ये हमारा एक एंट्री सेटअप था के लिए के। तो आज निफ्टी में एक यही ट्रेड मिला कि मोमेंटम आज ज्यादा फास्ट था, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ है। तो हमारे पास यही सेटअप था डबल टॉप का, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था और इसका नेकलाइन भी था डबल टॉप का। तो ये निफ्टी में हो गया कि निफ्टी में आज कैसे कैसे काम हुआ। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कल हम लोग इसमें क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं और कल निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग और देखते हैं हमारे पास कल के लिए क्या क्या लेवल्स है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी यहाँ पे हैमर कैंडल बना करके क्लोज हुआ है और हमारे पास ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और कल के लिए हमारे पास क्या क्या लेवल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। 50 में टाइम फ्रेम पे आप आ जाते हैं और हमारे पास जो लेवल है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास जो लेवल है वो अभी बन के आ रहा है 18,650 के अराउंड का, या 660 आप मान लीजिए जो यहाँ पे लेवल लगा है। ये आज का जो हाई है एंड कल का जो हमारा ये लो बन रहा है 18,528 के आसपास, मतलब 18,500 का पूरा सपोर्ट एरिया की तरह निफ्टी में वर्क हो सकता है। अगर प्राइस कल इसके ऊपर निकलता है देन हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस पे प्राइस बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पे रुकेगा, बट अगर ज्यादा सेफ आप लोगों को बाइंग की तरफ जाना है देन इसे भी ब्रेक होने दीजिएगा, तभी हम लोग बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और कल एक्सपायरी का भी दिन है तो कंसोलिडेशन पे अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। कंसोलिडेशन यहाँ पे बड़ा सा रेंज बना हुआ है निफ्टी का, वहाँ पे आप लोगों को नहीं फंसना है। हम लोग कंसोलिडेशन, ये पूरा कंसोलिडेशन एक फेज ही है। यहाँ पे निफ्टी अभी करेक्शन मोड में है, ऐसे तो निफ्टी आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड में और यहाँ पे अभी करेक्शन हो रहा है। जाना तो निफ्टी के ऊपर ही है बट कहाँ तक इसमें रिट्रेसमेंट आएगा ये हम लोग को नहीं पता। बस हम लोग अपना सपोर्ट देखते चलना है, राउंड नंबर देखते चलना है, बस वहां से हम लोग को बाइंग के लिए देखना है। यहाँ से अगर सेलिंग ट्रेड में है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है वहाँ। तो लेवल्स हमारे पास यही है, आज का जो लो बना है ये 18,500 तक सपोर्ट है हमारा और एक ये लेवल। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट आसपास है। तो प्राइस को किसी अच्छा लेवल को ब्रेक करने दिए तभी हम लोग इसमें अच्छे से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कोई लेवल ब्रेक निकलता है देन हम लोग उस पर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट के बाद ही ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी का कि निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में, फुल इसमें रेंज ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में हुआ है। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि आज फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद जो ये क्लोजिंग कैंडल है रेजिस्टेंस का वर्क किया है, क्योंकि यहाँ से एक बार सेल ऑफ प्राइस में आ चुका था और प्राइस इसको वापस यहाँ पे गया रिटेस्ट करने। तो हम लोग ऐसा ट्रेड एक्सपीरियंस ही पकड़ सकते हैं। मैं ज्यादा बेटर प्रीफर करूंगा कि आप लोग इस रेंज को अवॉइड ही करें अभी, या फिर ट्रेड करना भी है तो बहुत ही छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि लेवल्स हमारे पास बड़े हैं बट मोमेंटम जो आ रहा है वो अचानक से आ जा रहा है, बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉस खाने के बाद आ रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे बहुत ही देर कंसोलिडेशन किया, करने के बाद ब्रेकआउट दिया बट फिर इसमें सेलिंग आ गया, तो यहाँ पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस गया होगा। फिर आज वापस प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, तो ये एक तरह का इसमें सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है बैंक निफ्टी में। क्योंकि यहाँ पे अगर आप साइकोलॉजी समझेंगे बायर और सेलर का, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पिछले दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ अच्छा खासा और उसके बाद ब्रेकआउट मिला। तो ब्रेकआउट मिलने के बाद जितने बायर्स तो होंगे वो देखें कि प्राइस तो बहुत देर तक यहाँ पे रुक चुका है और बाइंग के लिए इसमें एंट्री उन्होंने कर लिया कि यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया था, लेकिन ऊपर जाकर के वापस इसमें सेलिंग आ गया। तो अब जो बायर लोग थे जो इसमें एंट्री किए थे उनका तो स्टॉप लॉस चला और इसमें अब ये जो कैंडल है इसमें सेलर लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे प्राइस फिर कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से प्राइस अगर फिर ऊपर निकलता है देन सेलर लोग का भी स्टॉप लॉस जाएगा, नीचे निकलता है देन सेलर लोग प्रॉफिट करेंगे। तो अभी ये रेंज ट्रेडिंग हो रहा है, रेंज ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा टफ होता है ट्रेड करना, तो बेटर ये रहता है कि हम लोग रेंज को
अवॉइड करने से क्या होगा कि हमारा लॉस नहीं होगा और हम लोगों को सीखने को भी मिले। और अगर आप लोगों को ट्रेड करना ही है तो हम लोग इसमें इतने छोटे क्वांटिटी से कम क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। बट लेवल्स का अगर हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, हमारा लेवल्स कहाँ बन रहा है, देन वो आज का हाई ये हमारा एक मेन लेवल है और आज का ही डे लो ये हमारा मेन लेवल बन रहा है। बाकी सबको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को इसमें क्लियर से समझ में आ जाए कि स्विंग अभी क्या लगा हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन भी हमारा यहाँ पे आ रहा है जो कि थर्ड टाइम वर्क किया। और ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि थर्ड टाइम का रेजिस्टेंस सपोर्ट कितना अच्छा वैलिड काम करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे थर्ड जो टच हुआ है देन बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा सेलिंग आया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही वैलिड की तरह काम करेगा, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है देन हम लोग यहाँ से बाइंग के लिए ट्रेड देख सकते हैं, और अगर ये लेवल निकलता है देन हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट हमारा सेलिंग साइड का ये आएगा 42,600 का, ये राउंड नंबर भी है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो और यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग साइड के लिए देखेंगे। बीच में ट्राई कीजिए कि आप लोग ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बैंक निफ्टी रेंज में है अभी। ऊपर निकलता है देन बाइंग साइड जाएंगे और नीचे जाता है देन हम लोग 42,600 तक का टारगेट रख सकते हैं। ये हमारा सेकंड टारगेट और फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ से अच्छी बाइंग आई है। अगर यहाँ भी होल्ड करके टाइम प्राइस सस्टेन करके निकलता है देन हम लोग ये टारगेट रख सकते हैं। तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी ज्यादा क्लियर इसमें व्यू दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास अच्छा सा स्विंग बैंक निफ्टी में बना हुआ है। तो ये हो गया एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए, कैसे हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।